सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपने इस लेक्चर में बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेट्स। बोले तो हेमिकॉर्डेट्स का जो क्लासिफिकेशन है उसको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर अपने हेमिकॉर्डेट्स के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको देख लिया था। आज अपन इसका क्लासिफिकेशन फोकस करेंगे। देखिए क्लासिफिकेशन में अपन बात करें तो जो आपके हेमिकॉर्डेट्स है इनको कितनी क्लास के अंदर, चार क्लास के अंदर क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया। कितनी क्लास के अंदर, चार क्लास में क्लासिफाइड किया गया। ये चारों क्लास कौन कौन सी है इनको पढ़ेंगे। इनके अंदर जो मेन जो क्लास है वो आपकी फर्स्ट क्लास एंड जो सेकंड क्लास, ये दोनों मेन क्लासेस है। कई बुक्स में ओनली फॉर ये दो ही क्लास दे रखी है, बाकी दो नहीं दे रखी क्योंकि ये जो फोर्थ वाली है तो एक्सटेंड हो चुकी है, थर्ड वाली क्लासेस के इतने ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। मेन दो ही क्लास दे रखी है, तो यदि बाय चांस कोई सिंगल भी क्वेश्चन आएगा दो चार नंबर का तो वो आपको इन दोनों क्लास में से पूछा जाएगा। या कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन आएगा तो क्लासिफिकेशन हेमिकॉर्डेट का पूछ लेगा, साथ में इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा। तो चलिए बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो यहां सिर्फ आपको समझना है, इसके कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बाय चांस टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप चैनल होगा या आपके पास इंस्टाग्राम होगा, वहां पे भी अपन ने अलग से पेज बना रखा है, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप नोट्स को ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्लास नंबर फर्स्ट की। क्लास नंबर फर्स्ट आ जाती है एंटेरोन्यूस्टा। कौन सी आ जाती है, एंटेरोन्यूस्टा। अब यदि इस वर्ड को दो पार्ट्स के अंदर भागों में डिवाइड करें तो एंटेरोन का मतलब तो किससे हो जाता है, गट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड न्यूस्टा किसको कर रहा है, वृद्ध को। मतलब इनकी जो गट्स होती है वहां पे क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, वहां से क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, इसलिए इनको क्या नाम दे दिया गया, एंटेरोन्यूस्टा। अब देखते हैं कि जो आपकी क्लास फर्स्ट के जो एंटेरोन्यूस्टा के जो मेंबर्स है, मेंबर्स है, इनको क्या बोला जाता है, एक्रोन भी बोला जाता है या टंग वोम भी बोला जाता है। कैसा बोला जाता है, एक्रोन या टंग वोम भी इसको बोला जाता है। जीवा कर्मी मतलब ये थोड़े जीव के जैसे दिखाई देते हैं। इसके अलावा इनकी बात करें तो ये कहां रहते हैं, ये मतलब सोलो होते हैं, मतलब ये एकांत में रहना पसंद करते हैं। फ्रीली स्विमिंग होते हैं, मतलब पानी के अंदर मुक्त रूप से आपको देखने को मिल जाएंगे स्विम करते हुए। साथ में क्या करते हैं, ये बोरिंग बना के रहते हैं, मतलब बिल बना के रहते हैं, बिल के अंदर ये रहते हैं। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब इनकी जो बॉडी होती है, ये बॉडी तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहती है, प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड रहती है, तीन पार्ट्स में डिवाइड रहती है। लेकिन याद रखना जो इनकी कोलर होती है उस कोलर पे क्या होती है, जो सीलेटेड आर्म्स होती है वो कंप्लीटली अब्सेंट होती है। मतलब सीलेटा क्या होते हैं, सीलिया होते हैं छोटे छोटे, वो इनकी जो कोलर वाला रीजन होता है वहां पे क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस में अब्सेंट होते हैं पूछ लीजिए, तो ये किस में होते हैं, जो आपके लोफोफोरे हैं, लोफोफोरा है, इनके अंदर अब्सेंट होते हैं, बाकी सबके अंदर आपको सीलिया होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट करेक्टर की। नेक्स्ट करेक्टर की बात करें तो इनकी क्या होती है, ये क्या होते हैं, यू शेप्ड क्या होते हैं, इनके अंदर जो गिल स्लिट्स होते हैं, कि जो आपके गिल स्लिट्स होंगे वो इनमें वो कैसे होंगे, यू शेप्ड होंगे, और नंबर में क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। कितने होंगे, नंबर में बहुत ज्यादा होंगे। इनके अलावा ये क्या करते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं। कैसे होते हैं, फिल्टर फीडिंग है ये शो करते हैं, फिल्टर फीडर द्वारा क्या करते हैं, फिल्टर फीडिंग जो मैकेनिज्म होती है क्या होती है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे जो हम डिटेल के अंदर हेमिकॉर्डेट्स को लेंगे। अब क्योंकि आज अपन सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, तो फिल्टर फीडर का मतलब हो गया कि मतलब जैसे मान लीजिए कि पानी की स्पीड आ रही है वहां से, जो भी चीज इनको चाहिए, न्यूट्रिशन वगैरह हो गया, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, सारी चीज वहां जो है वो अपन आगे देख लेंगे कि किस तरह से फिल्टर फीडिंग के द्वारा किस तरह से भोजन लेते हैं, ओपन चीज देख लेंगे। फिर इनका जो लार्वा होता है, इनके लार्वा को क्या बोला जाता है, टोनेरिया लार्वा बोला जाता है, कि इनमें लार्वा स्टेज देखने को मिलती है किसी किसी में, जैसे ब्लेनोब्लासोस हो गया, तो इनका जो लार्वा होगा उस लार्वा को क्या बोलेंगे, टोनेरिया लार्वा बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्लेनोब्लासोस हो गया एंड प्रोटोब्लासोस हो गया। अब बात कर लेते हैं क्लास नंबर सेकंड की। क्लास नंबर सेकंड आ जाती है टेरोब्रैंकिया। कौन सी आ जाती है, टेरोब्रैंकिया। अब टेरोन का मतलब किससे होता है, फेदर से होता है, ब्रैंकियन का मतलब किससे होता है, गिल्स से होता है। मतलब इनके जो गिल्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, जैसे कि फेदर के, इनकी स्ट्रक्चर गिल्स की कैसी होती है, जो पंख होते हैं फेदर होते हैं उनके जैसे आपको इनकी गिल्स की स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी, इसलिए इनके मेंबर्स को क्या बोल दिया गया, टेरोब्रैंकिया क्लास में रख दिया गया है। फिर ये कैसे होते हैं, सोलो होते हैं, मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं, हो सकते हैं ये कॉलोनी में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, दोनों होते हैं कि ये सोलो भी रह सकते हैं, कॉलोनी में रह सकते हैं। इसके अलावा ये सेंसेशनल होते हैं, मतलब स्थानबद्ध होते हैं, कि मतलब मूविंग नहीं होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, यू शेप्ड होती है, कैसी होती है, यू आकार की होती है, एंड इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, मतलब ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल एंड फीमेल क्या होते हैं इनमें अलग अलग होते हैं। इसके अलावा ये जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरह का शो करते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि इनमें लार्वा स्टेज क्या होगी, कंप्लीटली अब्सेंट होगी, किसी भी तरह का लार्वा इनमें नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है कुछ कुछ स्पीसीज के अंदर। तो यदि वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन होगा तो वो कौन सी विधि के द्वारा होगा, कौन से मेथड के द्वारा होगा, बडिंग जो मेथड होगी उसके द्वारा देखने को मिल जाएगा। एग्जांपल की बात करें तो रेप्टोप्लूरा हो गया और एट्रोबेलिया हो गया।
नेक्स्ट तीन नंबर की क्लास की बात करें तो थर्ड नंबर आ जाती है प्लेंटो स्फीराइडिया। कौन सी आ जाती है? प्लेंटो स्फीराइडिया। अब प्लेंटो जो स्फीराइडिया है इसके जो इसके जो मेंबर्स रहेंगे वो क्या कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, राउंडेड होते हैं, गोलाकार होते हैं, इसके अलावा ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब पारदर्शी होते हैं। एंड इसकी जो इनका जो लार्वा होगा वो लार्वा कैसा होता है? प्लेजिक लार्वा इनके अंदर देखने को मिलता है। एंड इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कैसी होती है? इनकी एल शेप एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो प्लेंटो स्फीरा प्लेजिका क्या आ जाता है? इनका एग्जाम्पल आ जाता है। लास्ट एंड फाइनल क्लास अपनी आ जाती है ग्रेप्टोलिटा। कौन सी आ जाती है? ग्रेप्टोलिटा। अब जो ग्रेप्टोलिटा जो आपकी क्लास है ये कंप्लीटली इस क्लास के जो मेंबर्स हैं वो क्या हो चुके हैं? कंप्लीटली एक्सटेंड हो चुके हैं, कंप्लीटली विलुप्त हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो डेंड्रोग्रिप्स क्या आ जाता है? इसका एग्जाम्पल आ जाता है। तो यहाँ पे अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकोर्डेट्स कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हेमिकोर्डेट्स का क्लासिफिकेशन क्या है। इसके जो कंप्लीट नोट्स मैंने आपको बता दिए टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, व्हाट्सएप में मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।